हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द वाइज एक्सपेरिमेंट पर। फ्रेंड्स, अब काफ़ी ज़्यादा ठंड ही लगने लगा है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी शानदार हीटर बनाने वाले हैं जो कि 1000 वाट का होने वाला है। तो इस हीटर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता नहीं है, मुश्किल से 300 से 400 रुपया में ये आसानी से बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये 1000 वाट का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस हीटर को बनाने के लिए आपको इस तरीके का 2 प्लाई का टुकड़ा कट कर लेना है। ये जो है फ्रेंड्स, ये 1 इंची इसका मोटाई है, तो उसका जो डायामीटर है इसको भी हम नाप कर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 4.5 इंची उसका डायामीटर है। तो आपको इस तरीके का 2 लकड़ी का टुकड़ा कट कर लेना है और इसको आपको एल्युमिनियम फॉयल से चिपका लेना है। चलिए हम इस पर एल्युमिनियम फॉयल चिपकाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके का एल्युमिनियम फॉयल ले लेना है आपको, इस तरीके से रख कर और इस पे मार्क कर लेना है। और इस एल्युमिनियम फॉइल को कट कर लेना है। इसको सुपर ग्लू इस पे लगा देना है इस तरीके से और इस पर चिपका देना है। इस तरीके से आपको 2 बना लेना है। इस तरीके से दोनों में एल्युमिनियम फॉयल लगा देना है। फ्रेंड्स, इसमें एल्युमिनियम फॉयल इसलिए लगाए हैं ताकि ये जो लकड़ी जो है, जब जो हीटर हीट होगा तो ये जलेगा नहीं, इसीलिए इस एल्युमिनियम फॉयल को चिपकाए हैं उस पर। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का जो होता है 4 बना लेना है, क्योंकि 4 इसलिए क्योंकि हम इसमें 2 एलिमेंट फिक्स करेंगे, तो इन 4 को इस पर फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले इस एल्युमिनियम फॉयल को यहाँ से कट करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से 4 में टिक लगाकर कट कर लेना है। हम एक कट करके दिखा देते हैं, सबको कट करने लगेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। इस तरीके से इसको यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉयल रहेगा तो करंट आएगा, पूरा बॉडी में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको काटना पड़ता है यहाँ से। तो आपको 4 चारों को कट कर लेना है इस तरीके से, और आपको कैंची की मदद से इसको हटा देना है यहाँ से। देख रहे हैं पूरा हट गया आसानी से, तो इसी तरीके से आपको 4 में कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको कट कर लेना है। इस दोनों का जो गैप जो है बीच में, हमने 7 सेंटीमीटर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा दूरी ही रखें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्लाई को जो है कट किससे किए हैं गोलाकार में, तो फ्रेंड्स हमने इस एडजस्टेबल कटर से कट किया है। अगर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप हेक्सा ब्लेड से भी कट कर सकते हैं और होल्सो बीट से भी इसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा ही कट करना है, तो इन सभी को इस तरीके से फिट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले एक आपको फिट करके दिखा देते हैं और बाद बाकी हम कर लेते हैं। सबको दिखाने लगेंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस तरीके से छेद कर लेना है। अब चलिए इसमें स्क्रू लगाकर आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से कस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन सभी स्क्रू को कसकर इसको फिक्स कर दिए हैं। आपको इसी तरीके से फिक्स कर लेना है। अब इसमें हम फिलामेंट लगाएंगे, तो फिलामेंट इस तरीके का आपको ले लेना है। अभी 4 अवेलेबल है, तो हम 4 को तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 ही फिलामेंट लगाने वाले हैं और सबको साइड में रखते हैं। तो हम इस 2 को ले लेते हैं और बाद बाकी को
साइड में रख देते हैं। इस तरीके का फिलामेंट है, ये एक 500 वाट का। फ्रेंड्स, इस फिलामेंट में जो है कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इस मॉडिफिकेशन करने के लिए इस तरीके का आपको वायर ले लेना है एक कॉपर का, और इसको इस अंदर से लेकर जाना है। कैसे कैसे सेट करते हैं आप देखिए वीडियो में। इस तरीके से इसको खोल लेना है और इस साइड का भी खोल लेना है, दोनों साइड का खोल लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको खोल लेना है और इसके अंदर से इसको इस तरीके से लेकर जाना है और दूसरे सिरे में इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। इसको थोड़ा बड़ा ही रखना है, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे और इसको सैंड पेपर की मदद से घिस लेंगे इस तरीके से। ये घिस चुका है फ्रेंड्स, यहाँ का जो नट है हमने खोल लिया है और इसको इस तरीके से निकाल लेना है और ये जो नाइक्रोम वायर है इसको इसमें इस तरीके से लपेट लेना है। जिस तरीके से हम करते हैं आपको सेम उसी तरीके से करना होगा इस तरीके से। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको इस तरीके से इसमें और इस वायर को छेद से इस तरीके से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से लगा लेना है और नट को जो है अंदर से प्रेस करके और अच्छी तरीके से उसको टाइट कर लेना है। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। देखिए, इस तरीके से कर लेना है और इसको इसमें लगा देना है। यहाँ पर जितना ज़्यादा वायर है इसको इस तरीके से खींच कर यहाँ पर लेकर आना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से वायर को लपेट लेना है और यहाँ पर जो है हमको हीट स्लीव लगाना होगा ताकि ये जो दोनों वायर जो है आपस में टच नहीं हो। इस तरीके से डाल लेना है फाइबर स्लीव और यहाँ का जो नट है इसको भी खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल लेना है। ये जो वायर है इस साइड का एक वायर लेकर गए हैं। इसी तरीके से दोनों में हमने लगा लिए हैं तो आप भी इसी तरीके से लगा लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके का एक एल्युमिनियम का जो सीट आता है इसको लेकर अपने हिसाब से काट कर जितना इस फिलामेंट का जो लंबाई है उस हिसाब से लंबाई कट करके और इस तरीके से एक बना लेना है। और इसको फिट करने के लिए आपको इस तरीके का एक पाइप ले लेना है जिसका डायामीटर 6.5 सेंटीमीटर है। आपको दिखा देते हैं, देखिए फ्रेंड्स 6.5 सेंटीमीटर है उसका डायामीटर। तो आपको इस तरीके का एक पाइप ले लेना है और इसको इस तरीके से इसमें फिक्स कर लेंगे। इस तरीके का लकड़ी का गुटका ले लेना है, इसको इस तरीके से इसमें फिक्स करेंगे। तो चलिए हम फिक्स कर लेते हैं इसको। ये फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से इसमें फिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें फिलामेंट को लगा लेते हैं। फिलामेंट लगाने से पहले ये देखिए इस तरीके से घूम जाता है इस तरीके से, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर दो सपोर्टर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने जाली से भी कवर कर दिया है और ये जो कवर है इसको भी चिपका दिया है। अब चलिए अब उसका टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको बोर्ड में लगाकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको बोर्ड में लगा दिए हैं लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अभी हीट हो रहा है, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को थर्मोमीटर से इसको नाप कर दिखा देते हैं कि ये सही में गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 23 डिग्री है सेल्सियस और फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हम आपको इस टेम्परेचर मीटर से इसका टेम्परेचर जो है माप कर दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही उसके पास लेकर गए हैं उसका जो है टेम्परेचर बढ़ने लगा है। फ्रेंड्स, ये जो जाली लगाया गया है ये थोड़ा दूरी में है इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हमको अभी हीट लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको वीडियो स्पीड करके दिखाते हैं कितना उसका टेम्परेचर जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, अभी उसका जो है 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अभी हमको हीट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन देखिए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट लग रहा है हमको। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, तो इसका जो लाइन है हमने कट कर दिए हैं, और आपको टेम्परेचर दिखा दे ही दिए थे कि 50 डिग्री तक गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा जा सकता था। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये हीटर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।